पर हमें मिल रही है। लखनऊ से जो है लखनऊ में सपा का प्रदर्शन होगा, प्रदेश सरकार के खिलाफ सपा का प्रदर्शन है और सरकारी नीतियों के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो लखनऊ में सपा एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है सरकार की खामियों को लेकर और उन खामियों को जनता के सामने दर्शाने को लेकर ये प्रदर्शन है। तो ये कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ये प्रदर्शन सरकार की नीतियों और कामकाज किस तरीके से सरकार का हो रहा है और किस तरीके से योजनाओं का संचालन, ये तमाम इस तरीके जो मुद्दे हैं उन्हें उठाकर सपा द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। तो लखनऊ में एक बड़ा प्रदर्शन सपा द्वारा किया गया है। मलिहाबाद से ये कुछ तस्वीरें हैं, तो लखनऊ के मलिहाबाद में सपा द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है सरकार के कामकाज के खिलाफ। और ज्यादा जानकारी के साथ अभिषेक रस्तोगी फोन लाइन से जुड़ गए। अभिषेक, सपा द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है, किस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है और किन किन खामियों को उजागर करने की कोशिश सपा द्वारा की जा रही है? मैं आपको माफी बताऊँ, ये जो प्रदर्शन उत्तर प्रदेश की जितने भी तहसील है वहाँ पर ये प्रदर्शन हो रहा है। और हम लखनऊ की बात करें तो मलिहाबाद का ये प्रदर्शन है, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। साफ तौर पर ये पूरा प्रदर्शन है महंगाई को लेकर और उसके अलावा जो बिजली की जो यहाँ पर जो दरें हैं वो बढ़ाई गई हैं, उसके अलावा प्याज को लेकर जो प्याज के दाम बढ़े हैं, उसके साथ ही कानून व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर ये पूरा यहाँ पर प्रदर्शन है। आज का जो प्रोटेस्ट है वो जो भी तहसील है पूरे प्रदेश की वहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा कल जो जितने भी डीएम ऑफिस है वहां पर ये लोग पहुंचेंगे और खास जो इनका जो प्रोटेस्ट आज है ये प्रोटेस्ट आज भी रहेगा पूरे उत्तर प्रदेश में, और उसके अलावा कल जो रहेगा वो और बड़े तरीके से रहेगा। साधारण जो कार्यकर्ता है वो सबको पहुंच रहेंगे और सरकार की जो नीतियां हैं, जो कानून व्यवस्था का मुद्दा है उत्तर प्रदेश में, सबको लेकर ये पूरा जो इनका प्रोटेस्ट है वो लगातार जारी है और कल भी रहेगा। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।